इस मौसम के हिसाब से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कश्मीरी चाय, जो शादियों में आज मिलती है, तो आप घर पे भी खुद बना देते हैं और कैसे बनेगी वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि फुल वॉच करिएगा और इसके अंदर आपको पता चलेगा किस तरह ये बनेगी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है कश्मीरी चाय। इसके लिए लेंगे हम सौंफ, इलायची और दालचीनी, और इसके लिए लेंगे हम लौंग और ये ग्रीन टी। ये भी आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद ये है मिल्क वाटर वाला और थोड़ा सा कलर है, तो इस सब को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर टेस्ट वगैरह है वो इसके अंदर आ जाए। देन हम इसके अंदर ग्रीन टी ऐड करेंगे। आप पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं या ऐसे पैकेट ले सकते हैं, मैंने पैकेट ले लिया था। अब इसके अंदर मैं इसको भी ऐड कर दूंगी एक प्याली, और इसको भी मैं अच्छे से रोस्ट करूंगी ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए ये। और दूसरी साइड पर मैं कर रही हूँ शुगर, क्योंकि मेरे पास आइसिंग शुगर नहीं थी तो मैंने शुगर को ही इसको पीस लिया, पाउडर फॉर्म में ले लिया। और ये रोस्ट हो चुका है तो ये ऐसा हो जाए, ठंडा हो जाए ताकि हम उसको हाथ में ले सकें। तो गर्म होगा तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी टाइप का लम्स टाइप के रह जाएंगे, तो इसलिए इसको ठंडा कर लें आप फुल, उसके बाद इसका पाउडर बना लें। पाउडर ये बन चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेनर कर जो है ना इसका सारा पाउडर निकालूंगी, जो ऊपर जो मोटा मोटा रह जाएगा उसको मैं अगेन जो है ना इसको पाउडर फॉर्म में लेकर आऊँगी, अगेन पीसूंगी। सही है। और ये आपको कश्मीरी चाय इतनी अच्छी है, ये आप ऑफिस वगैरह में भी लेके जा सकते हैं आराम से। आगे देखिएगा, इसके अंदर मैंने पाउडर मिल्क ऐड कर दिया है पाउडर वाला, और शुगर आइसिंग शुगर भी ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर, और एक पिंच या एक स्पून जो है वो आप नमक का डाल दें। और ये मैं डाल रही हूँ कलर, रेड कलर, पिंक कलर। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आप हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं दूसरे से प्रोसेस लूँगी, मैं इसको मशीन में पीस कर ताकि जल्दी से हो जाए। इसको अगेन मैंने मशीन में चला दिया सब चीज़ें मिक्स करके, ताकि ये आराम से जो है ना एक साथ मिक्स हो जाए। हाथ से मिक्स करते टाइम लेता तो ये पूरी बड़ी बन गई है। और थोड़ी सर्दी वगैरह हो या ऑफिस में आप थके हुए हो, काम करने दिल नहीं कर रहा, तो आप इसको बनाएं और पी लें। तो ये बनाने की टेक्निक मैं आपको बता दूँ। थोड़ा सा हमने पानी लिया इसके अंदर ऐड करा, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी, कोई ज़्यादा पीता कोई कम पीता, तो इसके हिसाब से मैंने ली। और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने जो है ना ये पाउडर ऐड करा, और ये हमारी हो गई है कश्मीर चाय रेडी। तो इससे आपकी इतने मज़े की बनी थी, आप यकीन नहीं करिएगा, आप खुद भी ट्राई करिए। इस पाउडर को आप स्टोर करें और आराम से ईजीली आप बना सकते हैं। तो गार्निशिंग के लिए हम पिस्ता और बादाम ऊपर से ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। डायरेक्ट आप जैसे नींद वगैरह हो रही हो, सुस्ती वगैरह हो रही हो, तो आप ये एक मिल्क, थोड़ा सा मिल्क को गर्म करें और ये एक स्पून डालें और हिलाएं और इसको पी जाएं और इंजॉय करें। मोस्टली अभी कराची में इतनी ठंड नहीं आती है, तो आप इसको वैसे भी बनाकर पी सकते हैं। कश्मीरी चाय जो शादियों में मिलती है, तो इसकी टेक्निक इतनी ईजी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपने दुआ मुझे याद है कि आप ठीक करें, अल्लाह हाफिज़, बाय। और ये पाउडर आप पूरे ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी ईजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अल्लाह हाफिज़।